माई चैनल। तो आज मैं आपके साथ अपनी एक रेसिपी शेयर करूँगी। आई होप आपको अच्छी लगेगी, पसंद आएगी और आप ट्राई करेंगे, और ट्राई करेंगे तो फीडबैक ज़रूर देंगे। तो चलिए, मैंने कैसे बनाई है ये, मैं कैसे बनाती हूँ तो ज़रूर बताइएगा। आप लोग भी बनाते होंगे तो वो भी बताइएगा, अच्छे से कमेंट्स कीजिएगा। चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ, रेसिपी देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम पसंदे की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, पसंदे बना रही हूँ। तो यहाँ पे हमने लिया है 1/2 kg के करीब, यहाँ पे हमारा जो ये मटन है, मटन का गोश्त आप किसी भी में बना सकते हैं, बीफ में, मटन में, जैसे मर्जी हो। तो एकदम ज़रूरी नहीं है बहुत रूखा हो, इसमें थोड़ी सी इसमें फैट था, चर्बी थी, तो मैंने रहने दिया फिर उसको थोड़ा थोड़ा सा। तो बस हम इसको अच्छे से वॉश कर लिया हमने, ताकि इसका जितना ही ब्लड वगैरह वो निकल जाए, निथरने के लिए रख दिया उसको, अच्छे से धो धा के, अच्छे से नहला धुला के फिर हमने इसको बॉईल कर लेना है। और बॉईल करने के लिए मैं यहाँ पे थोड़ी सी प्याज डालती हूँ, और थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट और नमक, ठीक है। तो ये जो रेसिपी है, पहले तो मैं बता दूँगी, हमारी सासू माँ की रेसिपी है और उन्हीं के स्टाइल में मैं बनाती हूँ जैसे वो बनाती हैं। मुझे बहुत अच्छी लगती है उनकी ये, जब मैं शादी होके आई थी तो शुरू में उन्होंने मुझे सिखा दी थी ये, तो मैंने शुरू में खाई थी, तब मुझे एक बार अच्छी नहीं लगी, जब मैंने सेकेंड बार खाई मुझे बहुत अच्छी लगी, तो फिर मैं तब से बना रही हूँ। तो ये जो है ना, हमारे यहाँ बहुत पसंद की जाती है। तो मैं कैसे बनाती हूँ, मैंने शायद आई थिंक इसकी रेसिपी पहले भी शेयर की है, तो आज मैं प्रॉपर तरीके से इसको शेयर कर रही हूँ आपके साथ। तो ये गोश्त हमारा खूब अच्छे से गल गया है। अच्छा, ये दो तरह से बनती है, और भोपाल में जो शादियाँ होती हैं ना, वहाँ भी आप लोगों ने खाई होंगी, भोपाल वाले जो हैं अगर वो देख रहे होंगे तो वो बताएंगे कि भोपाल में भी जब शादियाँ होती हैं तो वहाँ पसंदे जब बनते हैं तो वो पसंदे भी सेम ऐसे ही बनते हैं, मतलब उसमें ग्रेवी नहीं होती, उसमें सिर्फ गोश्त ही गोश्त आपको नज़र आ रहा होता है, खूब खूब घुटा हुआ गोश्त होता है उसमें, ठीक है। तो मैं जिस तरह से बना रही हूँ, इसमें बच्चे जो है ना, जो बच्चे गोश्त नहीं खाते ना, वो आसानी से गोश्त खा लेते हैं। तो खूब अच्छे से हमने गोश्त को गला लिया है। यहाँ पे 3-4 मीडियम साइज़ के प्याज ले लिए हैं मैंने, उसको अच्छे से घिस लिया है बारीक बिल्कुल, और जितनी मैंने खशखश ली उतनी ही मैंने चने लिए होंगे। तो खशखश मैंने लिए यहाँ पे 3-4 टेबल स्पून, और उतने ही हिसाब से मैंने चने ले लिए थे, काले भुने चने जो होते हैं रोस्टेड वो। अच्छा, इसमें जाता है ऑयल थोड़ा एक्स्ट्रा, क्योंकि इसमें जा रहा है खशखश और चने, जिसकी वजह से जो तेल होता है ना वो उतना दिखता नहीं है, आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा। तो इसमें इस वजह से ऑयल जो है ना, जितना भी आप डालते हैं ना, आप थ्री बड़े टेबल स्पून ही कहेंगे ना, हाँ जो भी कहते हैं, 3 बड़े जगह चम्मच डालते हैं ना, तो आप इसकी जगह 4 डालिए, 4 डालते हैं तो 5 डालिए, तो इस तरह से ये ऑयल जाएगा। तो मैं यहाँ पे जो डालती हूँ अपने मीडियम साइज़ के 6 हो जाते हैं, यानी बड़े वाले 3, तो इसमें मैं 4 डालूँगी, ठीक है। तो समझ आ रही है ना आपको? और ज़रूर बताना कि कौन कौन जो है ना ये बनाता है रेसिपी, और किस तरह से बनाते हैं, बहुत तरीक़ों से, अलग अलग तरीक़ों से बनती है। तो मैं जिस तरह से बनाती हूँ वो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और सिर्फ रेसिपी शेयर कर रही हूँ ताकि प्रॉपर तरीके से आपको पता चल जाए, क्योंकि कुछ लोग हैं जो मेरी कुक लाइक शहला पे जाके रेसिपीज़ नहीं देखते हैं, कुछ एक लोग हैं जो देखते हैं और बाकी कुछ एक लोग नहीं देखते हैं। तो दैट्स वाई मैंने सोचा कि ये रेसिपी मैं यहीं डाल देती हूँ, वहाँ पर भी हुआ तो कर दूँगी अपलोड, क्योंकि मैं भी मतलब वहाँ पर इतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं हो पाती हूँ आजकल, तो मैं यहाँ भी ज़्यादा एक्टिव नहीं हो रही हूँ, है ना। तो हमारी प्याज अब तक फ्राई हो रही है, मीनवाइल हम यहाँ देख लेते हैं, हमने जो खशखश और चने थे वो हमने पीस लिए हैं, अब वो जो है ना हम इसी में गोश्त में डाल देंगे, ठीक है। गोश्त बॉईल करते वक्त ध्यान रखें कि आपको पानी एक्स्ट्रा रखना है, उसमें आपको मिर्च लेनी है। अच्छा, मिर्च भी यहाँ पे जो है ना एक्स्ट्रा जाएगी, क्योंकि जितनी भी आप मिर्च लेते हैं ना उससे थोड़ी सी बढ़ के जाएगी, बिकॉज कि यहाँ पे चने और खशखश की वजह से मिर्च जो होती है ना वो कम हो जाती है। गरम मसाला डालेंगे, नमक डालेंगे, दैट्स इट, कोई धनिया नहीं जाएगा, कोई हल्दी नहीं, कुछ नहीं, बहुत मिनिमल से जो ना मसाले होते हैं उनके साथ ये बनती है, और बहुत आसानी से इजी तरीके से बन जाती है। अच्छा, आप लोग इसको चाहें तो बॉटी के साथ भी बना सकते हैं, इट मीन्स जैसे कि मैंने पसंदे बताए थे, आप उनको उतना ही रखें, ज़्यादा आप उनको तोड़ें ना, साबुत ही रखें, ऐसे भी कर सकते हैं, थोड़े थोड़े पीसेस भी रख सकते हैं आप बॉटी के, ताकि वो अब मैं ऐसे बनाती थी तो बच्चे क्या करते थे, वो सेपरेट कर देते थे और ग्रेवी खा लेते थे। तो मैं ये इस तरह से बना रही हूँ, तो आप चाहें तो वैसे बना लें। ये हमारी जो है ना प्याज फ्राई हो चुकी है, अब हम इसमें जो हमने मसाले जो ऐड किए हुए थे सारे कुछ, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। तो जब तक मैं मसाले ऐड कर रही हूँ, जो मेरे चैनल पे अभी न्यू है, सब्सक्राइब नहीं किया, ये देख रहे हैं और सिर्फ अभी देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब कर लो यार, और जब आप सब्सक्राइब करते हैं ना तो साथ में जो बेल आइकन है ना उसे ज़रूर प्रेस किया करें ऑल पे, ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाएँ और आप जल्दी से वीडियो को देख लें।
और यूट्यूब पे से पहले ना इंस्टाग्राम पे सारा कुछ पता चल जाता है, सारी रेसिपी सारी चीज़ें, तो उनको सारा कुछ मालूम हो जाता है। तो आप भी उनमें शामिल हो जाइए, फॉलो कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन चेक करिए, वहाँ पे सारे लिंक्स मिल जाएंगे, आप वहाँ जाके उनको फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और एक्टिव रहिए मेरे साथ में। तो यहाँ देखिए सारे मसाले हमने मिला दिए हैं सभी कुछ, ठीक है। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसे हम भूनेंगे। इसको बहुत ज़्यादा भूनना भी नहीं है, बहुत क्विक सी रेसिपी है, आसान सी रेसिपी है, ज़रा में बन जाती है। बार बार मैं कह रही हूँ, अगर किसी को लग रहा हो कि यार इसमें गोश्त मिक्स हो गया, भोपाल की शादियों में अगर आपने खाए होंगे पसंद, तो आपको समझ में आ गया होगा, और नहीं भी खाए ना कोई गर्ल नहीं, आप ये देख लें, इसको बना लें, ऐसे खा लें, और ना तो आप बोटी रख दें इसमें थोड़ा सा, इतना आप गोश्त को श्रेड ना करें, मिक्स ना करें, मतलब जिस तरह से दिख रहा है ना ऐसे ना करें आप, ठीक है। तो ऐसे बनाएंगे, ऐसे भी बहुत मज़े के लगेंगे। इसमें जो बच्चे हैं ना आपके, जो बोटी नहीं खाते हैं, पीसेस नहीं खाते हैं मटन की चिकन की, तो वो लोग खा लेंगे क्योंकि उनके पास ऑप्शन ही नहीं होगा कुछ भी छोड़ने के लिए, और तो वो खा लेंगे, बहुत मज़े के लगेंगे। तो मेरे बच्चे जो है ना वो उन्हीं टाइप के बच्चों में से हैं, तो मैं भी उनकी मम्मा हूँ, बहुत सियानी हूँ मैं भी, तो मैं इस तरह से उनको खिला देती हूँ, मतलब कुछ भी करके, तो समझ रहे हो ना आप लोग, बस वही। तो ये हमारा मसाला जो है ना, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसको भून लेंगे थोड़ी सी देर में, बस 5-10 मिनट भूनना है। फिर उसमें हम जो हमारा दही है ना, दही हम डालना है, मीठा वाला, खट्टा वाला नहीं डालना है, मीठा दही डालेंगे हम 4-5 टेबल स्पून के करीब, आप इसमें डाल दें, उससे इसका टेस्ट बहुत मज़े का हो जाता है, बहुत अच्छा। थोड़ी देर हम इसको भूनेंगे, थोड़ा दही जो है आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए सारा कुछ इसके अंदर जो है, ठीक है। फिर उसके बाद हम इसमें सिर्फ पुदीना ऐड करेंगे, हरा धनिया इसमें नहीं डालना है हमें, और कुछ भी नहीं डालना है, बस थोड़ी देर हमें इसको भूनना है। और अभी थोड़ी देर में ही इसमें जो है ना ऑटोमेटिकली ऑयल जो है ना सरफेस पे आ जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी, आप ज़रूर ट्राई करेंगे, क्योंकि आप लोग बोलते हैं कि आपकी रेसिपीज़ बड़ी कमाल की होती हैं, मज़े की होती हैं, अच्छा लगता है सुन के जब आप लोग इस तरह का रिव्यू देते हैं, फीडबैक देते हैं अपना, तो मेरे लिए ही नहीं दूसरे लोगों के लिए भी ये काफ़ी यूज़फुल होता है। तो इस रेसिपी को भी ट्राई करें और फिर अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें बनाने के बाद, जब भी आप बनाते हैं। तो इसमें सिर्फ पुदीना जाएगा, हरा धनिया नहीं जाएगा बिल्कुल भी, और इसको हम मिक्स कर देंगे और थोड़ी देर के लिए हम इसको दम पे रख देंगे। हमारी जो है ना बढ़िया सी पसंदों की रेसिपी रेडी हो जाएगी। और आप लोग किस तरह से बनाते हैं वो भी कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट्स करके कि आप लोग किस तरह से बनाते हैं। चलिए तो ये रेडी हो गई है, बस इसको थोड़ा सा हम मिक्स करेंगे और 5 मिनट के लिए हम इसको दम पे रख देंगे, उसके बाद हम इसको डिश आउट कर लेंगे, यानी कि प्लेट आउट कर लेंगे, वरना मुझे कमेंट्स आ रहा होगा कि यहाँ पे आपने प्लेट यूज़ की है, डिश यूज़ नहीं की है, तो इसे प्लेट आउट कहते हैं। यस, प्लेट आउट कर लेंगे हम। तो चलिए मैं प्लेट आउट कर लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ कि ये फाइनल लुक इसका किस तरह से है, किस तरह से दिख रही है, ठीक है। ये रहा इसका फाइनल लुक, और देख के ही मुंह में पानी आ रहा है मेरा, दोबारा से दिल चाहने लगा खाने का। चलो मेरा दिल चाहने लगा है खाने का, तो मैं दोबारा से खा के बताती हूँ कि कैसा लगा। तो ये लीजिए जनाब, मैं खा रही हूँ और बहुत मज़ा आ रहा है। एंड बिल्कुल एंड गिने वाले पे जब मुझे समझ में आया कि यार मैं शूट कर लेती हूँ, और ये है साथ में हमारी सासू माँ ने बनाया था मलीदा, बहुत मज़े का था ये, जब लेफ्ट ओवर रोटी होती है उससे मैं पहले ही बता चुकी हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।